एक बाबा जी कहा करते थे कि पुत्र, तुम जितने मर्जी कामयाब इंसान बन लो, मगर कभी अपने गांव और अपनी शनाख्त को मत भूलना। तो पेशे खिदमत है मेरा गांव। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के दिन एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव में, तो आज आपको अपने गांव का विज़िट कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे गांव का नाम ढोक बजरान है, और अभी आपको आगे के सीन दिखाते हैं, आगे लेके चलते हैं। ये जो मैं अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक ग्राउंड है। यहाँ पे जब मुझे अबू बताते हैं कि जब वो लोग यंग थे तो उनके टाइम एक फ़िल्म शूट हुई थी यहाँ पे, जिसका नाम था इंसानियत के दुश्मन। तो वो सारी इस ग्राउंड में शूट हुई थी, ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो अभी फिर आपको इस ग्राउंड के सीन दिखाते हैं और फिर आगे चलते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो जगह है मेरे पीछे, ये आप दरख्त देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे वालिद साहब बताते हैं कि इधर कोई बुज़ुर्ग थे, वो यहाँ पे मदफ़ून है। तो जब भी यहाँ से गुज़रते हैं तो हम भी दुआ करते हैं उनके लिए। तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट प्लेस। आगे चलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये जो आप जगह देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे अम्मी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गांव की औरतें आती थी उस टाइम, वो यहाँ पे कपड़े धोया करती थी, क्योंकि उस टाइम बोरिंग और ये पानी की फैसिलिटीज़ तो नहीं होती थी। तो इसलिए यहाँ पे आके जो यहाँ पे गांव वाले हम लोग रहते थे, यहाँ पे कपड़े धोया करते थे। तो देख लें आप। ये अब वो जगह है जहाँ पे सारे गांव के लोग जो हैं वहाँ यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। ये एक कुआँ है बेसिकली हमारे गांव का। तो इसके बारे में फिर आपको दिखाते हैं और इसके सीन्स भी दिखाते हैं आपको। ये इसके अंदर जो पानी है वो आप देख सकते हैं। और ये क्या हाल है अब्दुल समद? ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी हम सबसे पहले आए हुए हैं अपनी फूफो के घर। मेरी फूफो का घर है यहाँ पे, तो उनके घर आए हुए हैं और उनके घर से जो पूरा व्यू है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मेरे साथ अब्दुल हादी साहब हैं, ये फैसल भाई के बेटे हैं। तो हादी इधर आओ यार, क्या हाल आपका? ठीक हो? जी ठीक ठाक। और हम गांव में आए हुए हैं आपके, तो क्या क्या विजिट करोगे आज हमें? हम आज आपको अपना पूरा गांव घुमाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर घूमते हैं हम अपना पूरा गांव। हमारे साथ है जी अब्दुल समद। तो ये जो अब्दुल हादी है उसका छोटा भाई है और फैसल भाई का बेटा सबसे छोटा। तो इसको कल एक
जो फीमेल काओ यू कैन से दैट, तो उसने इन इस पर हमला किया ज़रा, तो भाई क्या हुआ था ज़रा बताओ। मैं ऊपर गया हूँ तो वो उसने मुझे पीछे से उठा लिया और फिर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा दिया यार, ये तो उसने गलत किया। और फिर दोबारा दो बार तो असल में जानवर हैं क्या कह सकते हैं। हालांकि फूफो बता रही थी कि ये रोज उसको खाना खिलाता है, लेकिन चलो। नाज़रीन, ये हमारे गांव की एक मस्जिद है छोटी सी, तो जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे ही नमाज़ पढ़ते हैं और गांव वाले भी यहाँ पे ही जमात कायम करके नमाज़ अदा करते हैं। तो इसके भी आपको ज़रा दिखा देते हैं मनाज़िर। तो नाज़रीन, अभी हम आए हैं हैदर भाई के घर पे। ये हमारे हैदर भाई हैं और ये रिश्ते में तो मेरे फूफो के नहीं, मामू के बेटे लगते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। आदिल भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला भाई, आप सुनिए क्या हाल चाल है। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो ये यहाँ पे इस बड़ी खूबसूरत जगह में रहते हैं। अभी ज़रा हम उधर आगे जाएंगे तो वहाँ के सीन्स आपको फिर दिखाते हैं रिकॉर्ड करके, ठीक है? तो चलते हैं। अच्छा जी, ये भी हम यहाँ पे अपने खेतों में घूम रहे हैं, तो हैदर भाई से भी हम पूछेंगे कि ये जो पीछे ये आपको मकई के सूखे हुए नज़र आ रहे हैं पड़े हुए सिट्टे से, इनका क्या काम है आगे? तो हैदर भाई, इनको अब क्या करेंगे आप लोग? भाई इनको हमने सुखाया, सीज़न आउट हो रहा है और भी सर्दियों में, फिर इनको सुखा के छोटे छोटे काट के भैंसों को डालेंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं ज़रा लेट हो गया था क्योंकि इन लोगों से मैंने बात हुई थी, वो कह रहे थे कि पहले आना आप लोगों ने ताकि ज़रा खेतों की जो हरियाली है और मकई जब लगी हुई होगी तो उस टाइम और खूबसूरती होती है, लेकिन अभी सब कुछ कट चुके और मैं थोड़ा लेट हो गया था, थोड़े कुछ मामलात ऐसे थे। तो अभी फ़िलहाल आपको सूखे हुए ही दिखा रहे हैं मकई के सिटे। शुक्र अल्लाह ना जी, बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप नहीं सुनाओ, ठीक हो? शुक्र अल्लाह ना, फिट फाट है। असा था या जरा ग्राई नहीं, जरा मैं जरा यादगार जी भी ना, बिल्कुल ठीक है जी, ये यादगार होनी चाहिए जी है। जी ए ग्रां साडा एक डाखाना है ना, इसकी असा पुड़ी ना सके। बिल्कुल ये गल जिथे भी गैस है साडी पहचान पहचान नहीं अल्लाह ने जी। चलो ठीक है, ठीक। तो अभी हम जा रहे हैं जो हमारा पूरे गांव का कब्रिस्तान है उसकी जानिब। तो यहाँ पे मेरे नाना बूबी और हैदर भाई के दादा जो कि आपस में भाई थे, जिनका नाम था बनारस, नाना बनारस, और मेरे नाना बू का नाम था सुबेदार शिफात साहब, तो उनकी कब्रों पे हाज़िरी देंगे और उसके बाद आपको कब्रिस्तान जो है पूरे गाँव का वो दिखाएँगे। तो चलते हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट। तो नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे इंशाल्लाह। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फी अमानिल्लाह। ए आना सहेरा, इन्होंने कटा दूध ही देना पिया। इधर तो मोड़ो, शर्मा गया, शर्मा गया बच्चा।